दोस्तों, मुर्दा घर एक ऐसा भयानक स्थान है जहां पर बहुत ही कम लोगों की जाने की हिम्मत होती है। मुर्दा घर वो जगह होती है जहां पर शव रखे जाते हैं और यहां का माहौल बहुत भारी और डरावना होता है। इन जगहों पर काम करने वाले अधिकतर लोगों के पास ऐसी कहानियां हैं जो आपको डरा सकती है। कुछ लोगों ने रोशनी के अचानक चालू और बंद होने की बात कही तो कुछ ने रोना सुनाई देने की, लेकिन कुछ ने तो अकेले में किसी के द्वारा उन्हें छूने की बात तक कही। इनमें से कुछ भयानक घटनाओं को कैमरे में कैद किया गया है। यहाँ पर आप ऐसी ही कुछ भयानक कहानियों और घटनाओं के बारे में जानेंगे जो मुर्दा घर में हुई। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, ये है डीमेंटेस। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 6, स्ट्रेचर से खेलना। जी हाँ दोस्तों, एक भारतीय अस्पताल के सुरक्षा कैमरा में कुछ अजीब सा दिखा जो मुर्दा घर के उस जगह पर लगा था जहां पर स्ट्रेचर और अन्य चिकित्सा उपकरण रखे जाते हैं। कैमरे में आप मानव आकृति जैसा कुछ तेजी से चमकते हुए देख सकते हैं। इसके तुरंत बाद ही स्ट्रेचर अपने आप आगे पीछे होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई धक्का दे रहा हो और स्ट्रेचर एक तरफ गिर जाती है। उसी जगह का एक और कैमरा उस पल को कैद कर लेता है जब एक कर्मचारी पानी की बोतल भरने के लिए वहां पहुंचता है। एक स्ट्रेचर जो उस आदमी से चंद कदमों की दूरी पर थी धीरे धीरे चलना शुरू कर देती है। जब आदमी ये देखने के लिए करीब आने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है, तो स्ट्रेचर उससे दूर जाने लगता है। आदमी सोचने लगता है कि आगे जांच पड़ताल ना करना ही उसके लिए अच्छा होगा, इसलिए वो वहां से चला जाता है। आपको क्या लगता है कि वहां क्या होगा? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, मुर्दा घर में जागना। दोस्तों, ये कहानी दक्षिण अफ्रीका में घटी है। कार में एक महिला दो अन्य लोगों के साथ जा रही थी, तभी अचानक चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और वे टकरा गए। सभी पैसेंजर्स को कार से बाहर निकाल लिया गया। इस गंभीर रूप से हुई कार दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंचे पैरामेडिक्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके दोनों साथियों को भी मौके पर ही मौत हो गई थी। महिला को मुर्दा घर में भर्ती कराया गया और उन्हें एक रेफ्रिजरेटर में रखा गया था। घंटों बाद जब उनके सहयोगियों ने संबंधित फॉर्म भरे तब मुर्दा घर के कर्मचारियों में से एक शवों की जांच करने के लिए गया। जब उसने रेफ्रिजरेटर खोला जहाँ महिला जमी हुई थी तो उसने देखा कि वो सांस ले रही थी। उस आदमी ने तुरंत एक एम्बुलेंस को फोन किया और महिला के परिवार से संपर्क किया। जिस पैरामेडिक्स ने उनका इलाज किया था उन्होंने ये कहते हुए अपना बचाव किया कि उनकी ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई थी। उन्होंने ये सत्यापित करने के लिए सभी प्रोटोकॉल का पालन किया था कि महिला जीवित थी या नहीं, जैसे कि उसकी नब्ज और सांस की जांच करना। दोस्तों, दुखी और नाराज महिला के परिवार ने जांच और जवाब की मांग की थी। महिला को अस्पताल भेजा गया जहां वो ठीक हो गई, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। कुछ समय पहले एक ऐसे 50 वर्षीय व्यक्ति को मुर्दा घर भेजा गया जिसके परिवार को लगा कि वो मर गए हैं क्योंकि वो होश खो चुके थे और वे उन्हें जगाने में असमर्थ थे। जब मुर्दा घर के एक रेफ्रिजरेटर से चीख पुकार सुनाई दी तो वहां के कर्मचारी डर गए और उसे भूत समझकर मजदूर भाग गए। फिर शांत होकर उन्होंने फिर से जांच की और पाया कि जो रेफ्रिजरेटर से चिल्ला रहा था वो जीवित व्यक्ति था। 21 घंटे तक मुर्दा घर के रेफ्रिजरेटर में बंद रहने के कारण उन्हें डिहाइड्रेशन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुर्दा घर में जागना एक डरावनी स्थिति होती है। अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? नंबर 4, दूसरी ओर से एक आवाज। दोस्तों, अल्बर्टो डेल आर्को एक मैक्सिकन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जांच करता है। अपनी एक जांच में वो और उनकी टीम एक मुर्दा घर में गई, एक अंतिम संस्कार गृह जिसमें शव पर लेप लगाने की प्रयोगशाला थी। वहां मौके पर मौजूद मजदूरों ने चीख पुकार और मारपीट की आवाज सुनने का दावा किया। उन्होंने भी परछाई देखी और कहा कि एक छोटे बच्चे की मौजूदगी उस जगह में रहती है, इसलिए उनकी टीम इनमें से कुछ घटनाओं को कैप्चर करना चाहती थी। जांच के दौरान उनकी टीम को लगा कि वे घटनास्थल पर अकेले नहीं है। पूरी यात्रा के दौरान उनके साथ लगातार एक ठंडक सी बनी रही। उन्होंने शोर भी सुना, करहाना भी सुना और तो और अकथनीय परछाइयां भी देखी, लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं थे कि आगे क्या होगा। कैमरामैन में से एक को बुरा फील होने लगा, शायद इस जगह इस्तेमाल किए जाने वाले रसायनों की तेज गंध के कारण था। अचानक कैमरामैन ने अपने बगल में एक शोर सुना और जब वो देखने के लिए मुड़ा तो वो कुछ सेकेंड के लिए बेहोश हो गया। ये उसके लिए अनंत काल है, ऐसा उसने बाद में बताया। जब वो आदमी जमीन पर गिरा एक आवाज स्पष्ट रूप से ये कहते हुए सुनाई दी थी, मुझे जाने दो। जब कैमरामैन फिर से उठा तो उसने कहा कि उसे ताजी हवा चाहिए।
क्योंकि उसे उल्टी सी आ रही थी। टीम ने फैसला किया कि ये पर्याप्त है और उन्होंने जांच वहीं समाप्त कर दी। नंबर 3, एंग्री स्पिरिट। दोस्तों, ब्राज़ील के एक अस्पताल में दो सुरक्षा गार्डों ने एक डरावनी वीडियो को रिकॉर्ड किया था। वे मुर्दा घर में सामान्य चक्कर लगा रहे थे, तभी लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगी। तभी उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने जो कुछ हो रहा था उसे रिकॉर्ड करने का फैसला किया। उन्होंने पाया कि शोर गैलरी से आ रहा था। एक दरवाज़ा अपने आप जोर जोर से खुलती और बंद होती थी। जैसे ही सुरक्षा गार्ड पहुंचे, दरवाज़ा पीटने की आवाज़ तेज हो गई और जब वे कुछ ही कदम दूर थे, दरवाज़ा का हिलना बंद हो गया और रोशनी का चमकना भी बंद हो गया। अचानक प्रकाश बाहर चला गया और अब यहाँ पूरी तरह से अंधेरा था और कुछ ही देर में वहाँ फिर से लाइट आ जाती है। गार्ड दरवाजे की जांच करने के लिए पहुँचे। ये दरवाज़ा आपात स्थिति में पानी की आपूर्ति करने वाले पाइप तक पहुँच प्रदान करता है। वहाँ कुछ भी नहीं था। जैसे ही वे दरवाजे की जाँच करने लगे, एक और दरवाज़ा दस्तक ने उन्हें चौंका दिया जो हॉल के एंड से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और दरवाजा पटक दिया गया हो। एक गार्ड जांच करने गया लेकिन सभी दरवाजे बंद थे। अब प्रश्न ये है कि कौन इस तरह गुस्से के साथ दरवाजा पटक रहा होगा। नंबर 2, द मिरेकल बेबी। दोस्तों, एनालिया बाउटेट 6 महीने की गर्भवती थी जब उसे एक जटिलता का पता चला था। डॉक्टर बच्चे की धड़कन नहीं सुन पा रहे थे। सुबह उन्हें प्रसव कक्ष में ले जाया गया। कुछ घंटों के बाद उन्होंने अनालिया को बताया कि उसकी बेटी नहीं बच पाई है। महिला बहुत दुखी हुई और इसी सदमे की स्थिति में वहां से चली गई। जब अंधेरा हो गया तो उसने अपने बच्चे को अलविदा करने की अनुमति देने के लिए कहा गया। अनालिया अपने पति और एक नर्स के साथ उसे अंतिम अलविदा कहने के लिए अंदर आई। जब उसने आखिरी बार देखने के लिए उसका चेहरा खोला तो बच्चा उसे चमकदार आंखों से देख रहा था। फिर वो रोया। ये एक बहुत ही कमज़ोर रोना था, जैसे कि एक नन्ही बिल्ली का बच्चा रो रहा हो। एनेलिया ने सोचा कि उसे भ्रमित हो रहा है, कि उसका दिमाग उसके साथ एक बहुत बुरा मजाक कर रहा है। लेकिन जब उसने देखा कि उसकी बेटी जीवित है, वो हिल रही है और रो रही है, तो वो घुटनों के बल गिर गई और रोने लगी और भगवान का धन्यवाद करने लगी। एनेलिया ने अपनी छोटी बेटी को देखा और उसे विशेष देखभाल के लिए ले गई। उन्होंने कहा कि ये बहुत ठंडी थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई आइस क्यूब ले जा रहा हो। इस वजह से छोटी बच्ची अपने आप ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी और उसे रेस्पिरेटर की मदद की ज़रूरत थी। इसके अलावा गंभीर न्यूरोलॉजिकल क्षति के कारण उनके मस्तिष्क का केवल 10% भाग ही काम कर रहा था। अस्पताल में कई महीनों के इलाज के बाद उस बच्ची की तबीयत स्थिर हो गई और उसे छुट्टी दे दी गई। अनालिया ने अपनी बेटी लूज मिलाग्रोस को बुलाने का फैसला किया। बच्ची 14 महीने तक जीवित रही, लेकिन कुछ समय के बाद कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्ट के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जब उसका परिवार उसे स्टेम सेल उपचार के लिए चीन ले जाने की कोशिश में पैसे इकट्ठा कर रहा था, डॉक्टर ये बताने में असमर्थ थे कि क्या हुआ था। उनकी इस लापरवाही के कारण उन्हें अस्पताल से निकाल दिया गया। नंबर 1, शरीर छोड़ना। दोस्तों, इस घटना को चीन के एक अस्पताल के मुर्दा घर में सुरक्षा कैमरे द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। फोटो में आप एक स्ट्रेचर देख सकते हैं जो एक शीट से ढका हुआ है। अचानक शरीर से एक अजीब और भयानक आकृति निकलती है। सबसे पहले आप देखते हैं कि कैसे एक पारदर्शी वस्तु गर्नी पर बैठती है और फिर ये महिला के शरीर को छोड़ते हुए आसानी से ऊपर की ओर उड़ते हुए जा रही थी। क्या ये उज्जवल प्रकाश उस महिला की आत्मा हो सकती है जो शरीर छोड़कर जा रही थी? दोस्तों, हमारे द्वारा अभी देखे गए मामलों के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप ऐसी किसी कहानी को जानते हैं? अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट करता हूँ। बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। आप हमें हमारे सोशल नेटवर्क पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये है डिमेंटर्स। हम एक और भयानक वीडियो में आपका इंतज़ार कर रहे हैं।